بابا صاحب امر امر بابا صاحب امر 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 जो विषय आपने इस सत्र के लिए रखा है, इस प्रबोधन सत्र के लिए, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए मैं आपको लगभग 30-35 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। और बामसेफ के संस्थापक जो जिन लोगों ने कल्पना की कि बामसेफ जैसा एक संगठन होना चाहिए इस देश में, उनमें से एक और इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक चिंतकों में से एक माननीय कांशीराम साहब के की कही हुई दो तीन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके आलोक में हमको ये देखना चाहिए जो विषय प्रवर्तन हुआ वो, और शाह साहब ने जो चिंताएं जताई वो, हम लोग इस समय कहाँ पर हैं। माननीय काशीराम अपने एक भाषण में कहते हैं, समाचार पत्र के बिना हम अपने उद्देश्य पूर्ति में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। समाचार पत्र के बिना हम अपने उद्देश्य पूर्ति में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, जिसकी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा किया है कि आप अपनी दीवारों पर लिख रखो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। कांशीराम साहब की दृष्टि बहुत स्पष्ट है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर के इस सपने को पूरा करना है कि इस देश का हर जो जाति मुक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो इस देश को जाति से मुक्त एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहता है, जो इस देश के बहुजन हैं, उनको अगर इस देश वो उनके अंदर ये चेतना अगर लानी है कि अपनी दीवारों पर लिख दे कि उसे देश का शासक बनना है, तो इसके लिए समाचार पत्र होने चाहिए। अब कांशीराम साहब की दूसरी बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये बात उन्होंने 30 मार्च 1984 को कही नागपुर में, जब वो बहुजन टाइम्स नाम का साप्ताहिक पत्र लॉन्च कर रहे थे और बहुजन प्रेस भी उन्होंने बनाया था, उसी के बिल्डिंग में ही वो मीटिंग हो रही थी। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, समाचार पत्र विशेष विचारधारा के प्रति समर्पित होते हैं। उनके कहने का मतलब है कि हर समाचार पत्र की कोई ना कोई एक विचारधारा होती है। आप में से कुछ लोगों को अगर भ्रम है कि ये समाचार पत्र सबकी खबर देता है, ये चैनल तो अच्छा है, NDTV अच्छा है, सबकी बात बोलता है, तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब कांशीराम साहब की दृष्टि बहुत स्पष्ट है, समाचार पत्र विशेष विचारधारा के प्रति समर्पित होते हैं। वर्तमान समाचार पत्र ब्राह्मण बनिए के समाचार पत्र हैं, ये किसी भी हालत में बहुजन समाज के समाचार को उस तरह नहीं छापेंगे जिससे उनकी बात आगे बढ़े। बिल्कुल देखिए साफ साफ वो कह रहे हैं, कोई मतलब छिपाना नहीं है कि ये बात कही जाए नहीं कही जाए, ब्राह्मण बनिया को कह देंगे तो हमको नहीं छापेंगे, इस तरह का कोई संकट उनके सामने नहीं। उनकी दृष्टि स्पष्ट है क्या बात कहनी है। और इसके अलावा एक और उनका कोटेशन मैं यूज करना चाहूँगा अपनी पूरी बातचीत को रखने के क्रम में। कांशीराम साहब लिखते हैं, आज की प्रेस ब्राह्मण बनियों के दिमाग और सेठों के धन दौलत की उपज है। यह प्रेस हमारे वास्तविक ख्यालात और हालात को ब्लैकआउट करता है, अतः अपना प्रेस और पब्लिकेशन होना अति आवश्यक है। ये आज से ये 1981 से 1984 के बीच में अलग अलग जगह से मैंने आप लोगों को सुनाया और आप पाएंगे आज भी लगभग वही बात कही जा रही है कि ये प्रेस जो है, ये चैनल जो है, ये हमारे काम के नहीं है, हमारी बात नहीं कहते हैं। एक दो लोग वहाँ पर अगर हमारी जैसी कोई बात कहने की कोशिश भी करते भी हैं किसी चैनल में, तो वो दरअसल उस चैनल या उस अखबार को थोड़ा सा भरोसे का बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग उस पर भरोसा कर सकें, इतनी सी बात है। इस वजह से कांशीराम साहब ऑपरेस्ट इंडिया, बहुजन संगठक और बहुजन टाइम्स जैसी पत्र पत्रिकाएं चलाने की कोशिश करते हैं। वो दैनिक नहीं चला पाए थे, दैनिक चलाना उनकी कल्पना में था। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, लगभग 100 साल पहले बाबा साहब जिस समय मूक नायक और उसके बाद बहिष्कृत भारत, फिर जनता, उसके बाद समता और फिर प्रबुद्ध भारत,
ये सारी पत्र पत्रिकाएं जब वो चलाते हैं तब उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट है कि जो मुख्य धारा का मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं अखबार वगैरह जो हैं, ये जो बहुजन विचार है उसको आगे बढ़ाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ ही उसकी कोई भूमिका है। तो ये बात बाबा साहब के भी दृष्टि में बहुत स्पष्ट थी। जैसे फूले भी अपना वो अपना पब्लिकेशन चलाने की कोशिश करते हैं और वो छापते हैं, या जो तमिलनाडु का जो ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन वहाँ का है, उन्होंने भी जस्टिस नाम का की पत्र पत्रिका चलाने की कोशिश, अपनी कोशिशें लगातार होती रही हैं। गांधी भी अपना पत्र पत्रिका चलाने की कोशिश करते हैं अपना विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, तिलक भी मराठा और केसरी चलाते हैं। तो जिसको भी अपनी विचारधारा आगे बढ़ानी है उसके पास अपना मीडिया होना चाहिए। जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि मीडिया क्या है, आप कह रहे हैं और बात लोगों तक पहुंचे, यही मीडिया है। तो जो जातिवादी शक्तियां हैं, जो इस देश को 3-4% आबादी का के कंट्रोल में रखना चाहती हैं, उसके कंट्रोल में इस समय इस देश का पूरा मीडिया है। 1997 में दिल्ली में एक पत्रकार अमेरिका से आता है, वाशिंगटन पोस्ट का, और वो जानने की कोशिश करता है कि भारत में जाति की समस्या है, तो एक कोई दलित पत्रकार है क्या जिससे मैं बात कर सकता हूँ। ये बात उन्होंने अपने दिल्ली में कुछ पत्रकार दोस्तों को कही कि मैं एक दलित पत्रकार से बात करना चाहता हूँ। अब वो पत्रकार, जो भारतीय पत्रकार हैं, वो दिल्ली में दलित पत्रकार ढूंढने के लिए निकलते हैं। जो भारत सरकार का मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट है उनमें से हर पत्रकार को फ़ोन करते हैं, जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं उनमें से हर किसी को वो संपर्क करते हैं, लिस्ट में नाम देखते हैं, उनमें जाति नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और 1997 में दिल्ली शहर में एक भी दलित पत्रकार नहीं मिलता है। अब इसके ठीक 10 साल बाद फिर ऐसी ही कोशिश होती है कि दिल्ली में जो मीडिया है वो कौन लोग चला रहे हैं। अब इस काम को योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार, ये तीनों लोग मिलके, जो तीनों ही लोग दलित नहीं है लेकिन वो कोशिश करने कोशिश ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का मीडिया कौन चलाता है। और 2006 में जाकर फिर यही पता चलता है कि दिल्ली का मीडिया जो चला रहे हैं, जो उसमें जो फैसला लेने वाले पद हैं, जहां से तय करते हैं क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या छपना है, चैनलों में क्या दिखाया जाना है, ऐसे लोगों में 35 वो अखबारों और चैनलों के ऑफिस में लोगों के पास क्वेश्चनायर भेजते हैं, लिस्ट भेजते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस जाति के आपके पास कितने लोग हैं, कितने पत्रकार काम कर रहे हैं। 2006 में फिर से यही बात पता चलती है कि दिल्ली की मीडिया में एक भी दलित पत्रकार फैसला लेने वाले किसी पद पे मौजूद नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के लोग मिसिंग हैं, ओबीसी सिर्फ 4% है, मुसलमान चूंकि कुछ उन्होंने उर्दू के प्रेस ले लिए थे तो कुछ मुसलमान निकल आए, कुछ क्रिश्चियन निकल आए। पता चला कि भारत का मीडिया जो लोग चला रहे हैं उनमें से 78% लोग, लगभग 80% लोग हिंदू हैं, हिंदू सवर्ण हैं, हिंदू पुरुष हैं। तो हिंदू सवर्ण पुरुष, उसमें से लगभग 46% सिर्फ एक जात ब्राह्मण के हैं, ये भी उस सर्वे में सामने आया। तो हिंदू सवर्ण पुरुष जो इस देश की आबादी का कितना हिस्सा है, उसको वो हिस्सा लगभग आप समझिए मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं, हिंदू सवर्ण पुरुष इस देश में 6-7% है, 15% सवर्ण है हिंदू सवर्ण, और उसमें भी चूंकि महिलाएं आमतौर पर बहुत कम हैं मीडिया में, कुछ कुछ चैनल में एंकरिंग वो करती हुई दिखती है लेकिन उनके लिए भी कोई लिख के देता है जिसको वो पढ़ रही होती हैं। तो भारतीय मीडिया जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, समाज के तमाम लोगों की उसमें आवाज़ नहीं है, ये 2006 में फिर पता चलता है। इसके 4 साल बाद फिर एक रिसर्चर ऑस्ट्रेलिया से आके ये सर्च करने की कोशिश करता है, रॉबिन जेफरी, कि क्या चैनलों में, भारत के सारे चैनल जो हैं लगभग 300 के आसपास न्यूज चैनल अलग अलग भाषाओं के हैं, वो दिल्ली के चैनल देखने की कोशिश करते हैं कितने चैनल हैं। फिर उनको पता चलता है कि दिल्ली के किसी भी हिंदी इंग्लिश के किसी भी चैनल में एक भी दलित एंकर नहीं है। यही सर्वे पटना में हुआ, हैदराबाद में हुआ, सभी जगह से यही आंकड़े आए कि जो मीडिया है, चैनल है, अखबार है, इसमें हमारे लोग नहीं हैं। ये
या एक दो कहीं पर हैं और वो कितना कर पाते हैं एक दूसरा सवाल है, लेकिन आमतौर पर ये बात तो सवर्ण भी मानता है, ब्राह्मण भी मानता है कि मीडिया में दलित, ओबीसी, ट्राइबल ये लोग मिसिंग है। तो एक तो ये बात स्थापित है, ये बात हम लोगों को मालूम भी है। मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बामसेफ के मंच पे जब मैं आता हूँ या कहने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे मालूम है कि इस देश में जो सबसे प्रबुद्ध कुछ लोग हैं, जो सबसे जानकार कुछ लोग हैं, उनके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। और जब यहाँ कोई बात कही जाती है और अगर उस बात को बामसेफ ने पकड़ लिया, तो इस बात की बहुत संभावना है कि एक साल के अंदर में इस पूरा देश उसके बारे में बात करने लगता है। जैसे बामसेफ के ही मंच में पहली बार जाति जनगणना की चर्चा हुई थी और एक साल के बाद पूरा देश इस बात पर बहस कर रहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये बामसेफ की एक छुपी हुई सी ताकत है, जिसका अंदाजा कई बार बामसेफ के लोगों को भी नहीं होता है कि जब वो कुछ कहना शुरू करते हैं तो कहाँ तक जाती है बात, बहुत आगे तक जाती है। जब बामसेफ ने अगर कोई एजेंडा ले लिया कि इस बात को कहना है, आपने जब मूल निवासी कॉन्सेप्ट को दिया और जो मूल रूप से हमारे समय के सबसे बड़े चिंतक और विचारक और समाज सुधारक और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का विचार मैं उसको मानता हूँ कि मूल निवासी सिद्धांत वहाँ से आता है, तो मूल निवासी सिद्धांत आपको अंदाजा नहीं है कि आपने उसको कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन आप देखेंगे मूल निवासी सिद्धांत से जो डरे हुए लोग हैं उनकी रचनाओं की बाढ़ आ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सब जगह अखबारों में छपने लगा कि ये मूल निवासी आर्य सिद्धांत गलत है, आर्य आक्रमण का सिद्धांत गलत है, उपन्यास इसके आने लगे कि नहीं ये मूल निवासी सिद्धांत कुछ नहीं है, सब लोग देश के लोग हैं, इस पर मोहन जोदड़ो जैसी फिल्म बनने लगती है जिसमें कि जो आर्यंस हैं उसको भी वो मूल निवासी जैसा कुछ नहीं है, हड़प्पा सभ्यता में भी सभी तरह के लोग थे, ये बताने की कोशिश होने लगती है। तो आप लोग जब किसी बात को पकड़ लेते हैं कि इस बात को नेशनल बनाना है, तो एक से दो साल के अंदर में बात नेशनल बन जाती है, इस तरह से लगातार आ रहे हैं। तो एक चीज़ इसमें बहुत स्पष्ट है कि मीडिया दरअसल करता क्या है। अभी जैसे इस मंच में, इस इतने प्रबुद्ध लोगों की सभा में 2 से 3 हज़ार लोग मौजूद हैं, आप लोग क्या सोचेंगे, क्या आप लोगों को मीडिया ये कह दे कि ब्राह्मण वर्चस्व में ये देश बहुत अच्छा चल रहा है तो आप लोग मान लेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप में से कोई लोग कोई ये कह दे, कोई मीडिया कहने लगे कि बाबा साहब के जो विचार थे वो गलत थे, तो आप लोग मानने लगेंगे? ऐसा नहीं है। मीडिया की ये ताकत नहीं है, मीडिया इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, इतना दमदार भी नहीं है कि आप लोगों के विचारों को इतना प्रभावित कर दे कि आप लोगों को कह दे कि कांशीराम साहब के जो विचार थे गलत थे, जो जातिवाद है वो सही है, ये लिखने लगे तो आप लोग मान लेंगे, इतना भी इतना नहीं है। लेकिन मीडिया करता क्या है? मीडिया ये नहीं करता है कि आपके विचार किसी मुद्दे पर क्या हो, ये वो तय नहीं करता है, लेकिन मीडिया हमेशा और लगभग हमेशा ये तय कर देता है कि आप लोग किस बारे में सोचेंगे। पक्ष में सोचिए, विपक्ष में सोचिए, अलग बात है। जैसे आज से लगभग 55 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के समय एक सर्वे किया गया था कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो लोगों से पूछा गया कई शहरों में कि आप अपने 10 बड़े मुद्दे बताइए कि क्या क्या आप सोचते हैं। तो लोगों ने अपने अपने मुद्दे बता दिए कि वो क्राइम है कहीं, किसी ने अलग अलग मुद्दे बता दिए। इसके बाद रिसर्चरों ने ये जानने की कोशिश की कि उससे ठीक एक महीने पहले तक अखबारों और चैनलों में क्या चल रहा था। तो पाया गया कि जो अखबारों और चैनलों में जिन बारे में चर्चा हो रही थी, वही चर्चा लोगों के बीच में भी थी। और ये सर्वे अमेरिका के हर चुनाव में आजकल किया जाता है कि मीडिया ने पिछले 5-6 महीने में किन मुद्दों को उठाया और जनता किन सवालों को महत्वपूर्ण मान रही है। तो ये इन दोनों के बीच कोरिलेशन है, इन दोनों के बीच संबंध है। संबंध इस बारे में नहीं है कि आप उस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं। अगर जाति जनगणना के सवाल पर मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है तो देश भी चर्चा नहीं कर रहा है। अगर जैसे समझिए कि किसी एक राज्य में हर दिन, जैसे बिहार का उदाहरण ले लीजिए, हर दिन एवरेज हो सकता है वहां पर 15 या 20 बलात्कार की घटनाएं हो, लेकिन बिहार में होने वाली बलात्कार की घटनाओं को अगर सारे अखबार पहले पन्ने पर सबसे बड़ी खबर बनाकर 5 या 7 दिन छाप देंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में जंगल राज आ गया है, बिहार में बलात्कार ही बलात्कार हो रहे हैं, बिहार में जंगल राज आ गया है।
और उन्हीं खबरों को अगर मीडिया कोई मैनेज कर लिया, जैसे नीतीश कुमार बीच में कर पाए थे मीडिया मैनेज, अपराध की खबरें जब अंदर के पन्ने पे चली गई या नहीं छपने लगी, तो बिहार में सुशासन आ गया। तो ये दरअसल मीडिया करता है कि आपको वो मुद्दे आपके वो फिक्स कर देता है। वामसेफ जैसे संगठन उसको थोड़ा बहुत तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में आपको अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहाँ पर एक भारत की तरफ से एक कार्रवाई हुई जिसमें कि 15-20 लोग मरे, इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार होती रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। लेकिन जिससे मीडिया ने इस खबर को सबसे बड़ी खबर बनाने का फैसला कर लिया कि भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव सबसे बड़ी खबर है, तो याद कीजिए आप लोग टेलीविजन चैनल पर हर दिन कुछ फौजी रिटायर्ड लोग हर दिन चर्चा करते थे कि भारत को पाकिस्तान पर क्या कर देना चाहिए, पाकिस्तान से क्या खतरे हैं, और पूरा देश इस बारे में चर्चा करने लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तनाव है, आतंकवाद है। आतंकवाद को जब वो मुद्दा बनाना चाहते थे तब उन्होंने आतंकवाद को मुद्दा बना दिया। तो ये असल में मीडिया की ताकत है, और इस मीडिया की इस ताकत को बाबा साहब ने तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा। काशीराम साहब ने तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा। थोड़ा बहुत डेंट लगता है, थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन पूरे निर्णायक रूप से वो नहीं टूटता है। मीडिया की ग्लोबल रूप से ये मान्यता है और ये माना गया है कि मीडिया की ताकत है कि आपके सोचने के तरीकों को नहीं भी तो आप किस बारे में सोचेंगे ये मीडिया तय कर देता है। ये असल में मीडिया की खतरनाक भूमिका है। 2016 में की शुरुआत में याद कीजिए, 17 जनवरी को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट की लाश पाई जाती है हॉस्टल में, रोहित वेमुला की लाश। और रोहित वेमुला को उससे 12 दिन पहले यूनिवर्सिटी से उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, 5 उसके साथियों के साथ, कि आप हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं, लाइब्रेरी में नहीं जा सकते हैं, क्लास में नहीं जा सकते हैं, सेमिनार में नहीं जा सकते हैं, आप बाहर कहीं रह लीजिए, चौराहे में रहना हो रह लीजिए। 17 तारीख को ये घटना होती है और 18 तारीख को दिल्ली में 3000 के आसपास स्टूडेंट, 2 से 3000 के आसपास स्टूडेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और उस दिन दिल्ली में ही नहीं, देश भर में कम से कम 100 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे होते हैं। अब रोहित वेमुला के उत्पीड़न की खबर, उससे पहले के उसके आंदोलन की खबर, रोहित वेमुला के मरने की खबर किसी चैनल ने तो नहीं बताई थी, किसी चैनल ने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला था, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। 18 तारीख के अखबार की बात कर रहा हूँ, 18 तारीख 17 तारीख को घटना होती है, 17 तारीख के रात को किसी चैनल में इस बारे में, आप पुरानी रिकॉर्डिंग यूट्यूब वगैरह मिल जाता है, गूगल पे आप देख लीजिएगा, 17 तारीख को किसी चैनल ने एक शब्द भी उस बारे में चर्चा नहीं की। किसी चैनल ने दिल्ली से लेकर पूरे देश की राजधानियों की के चैनल देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, किसी ने एक लाइन भी नहीं लिखा। लेकिन इसके बावजूद लगभग 300 शहरों में प्रदर्शन हो गए, ये कैसे हुआ? या दिल्ली से ही लगभग 1000 किलोमीटर दूर, यहाँ से और भी लगभग 2000 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक गांव जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बिजली पहुँची है, वहाँ की एक लड़की डेल्टा मेघवाल बीकानेर में अपने हॉस्टल में उसकी लाश पाई जाती है पानी की टंकी में। ये घटना होती है सुबह के 11 बजे के आसपास। अखबारों में डेल्टा मेघवाल, ऑब्वियसली कोई वजह नहीं है कि अखबार उसके बारे में क्यों बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो बीकानेर के अखबार में, लोकल अखबार में एक सिंगल कॉलम की इतनी सी खबर छपी है, देश में कहीं नहीं छपा है, चैनलों में उसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अगले दिन देश के कई शहरों में, और उसमें से आप फोटो निकाल के इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने 200 लोग खड़े होकर तख्ती लेके खड़े होते हैं कि डेल्टा मेघवाल को न्याय दो। ये कैसे हो गया कि जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है उसके बारे में देश फिर कैसे चर्चा कर रहा है, प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, देश भर में आंदोलन कैसे हो रहे हैं? या आप गुजरात में ऊना वाला केस ही लीजिए ना, ऊना में जब 5 शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाय का चमड़ा उतारते हुए पाए जाने को लेकर उनकी पिटाई होती है और उसका वीडियो जिन लोग पीटते हैं वही लोग अपना यूट्यूब में डाल देते हैं, इसके खिलाफ 11 दिन तक देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन हो रहे हैं। ऊना में लोगों ने आंदोलन किया, वो फिर वहाँ पर जिला मुख्यालय तक पहुँचा, गुजरात के कई जिला मुख्यालयों में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने लोग मरी हुई गाय फेंक देते हैं कि अगर हम आपकी गाय आप संभालो। जब इस तरह की के आंदोलन हो रहे होते हैं
तो इस देश का मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा होता है, कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन वो यूट्यूब का जो वो वीडियो है वो 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके होते हैं, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे होते हैं, फेसबुक पर लोग लिख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे होते हैं, और एक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होने लगती है। और देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि गुजरात की मुख्यमंत्री फेसबुक पर लिखती है कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। ये दरअसल नया समय है, ये इतिहास में ये सुविधा बाबा साहब को नहीं मिली थी कि वो अपनी बात कहें और शाम तक उनका वीडियो 10 लाख लोग देख लें। आज की तारीख में बिहार के एक छोटे से शहर, छोटा नहीं ठीक ठाक बड़ा शहर, भागलपुर का एक स्टूडेंट, वो अपना एक आदमी के साथ बातचीत करता है और उसका वीडियो डालता है, आज की तारीख में ओम सुधा का वीडियो करीब करीब 10 लाख लोग देख चुके हैं। सोचिए, बाबा साहब के पास अगर ये ताकत हुई होती, वो अपना वीडियो अगर इंटरनेट पर डाल रहे होते तो अपनी बात कहते और शाम तक 1 करोड़ लोगों तक पहुँच जाती। ये सुविधा न काशीराम साहब को मिली, न बाबा साहब को मिली, न फुले साहब को मिली, न कबीर को मिली, किसी को इतिहास में ये सुविधा नहीं मिली थी। इसलिए मास कम्युनिकेशन की दृष्टि से, जनसंचार की दृष्टि से, मीडिया की दृष्टि से बहुजनों का ये सबसे अच्छा समय है। इसको मैं गोल्डन पीरियड इसलिए कहता हूँ कि आप में से हर लोग आज की तारीख में सक्षम है कि अपनी बात 100, 200, 500, 1000, 50000, 1 लाख, 5 लाख लोगों तक पहुँचाने की ताकत आप में आ गई है, जिसके लिए आपको हो सकता है कि 15 या 20 पैसे का डाटा पैक खर्च करना है, इतने भर से हो जाना है ये काम। ये दरअसल टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को वो सुविधा दे दी है जो इतिहास में हमसे पहले के किसी महापुरुषों को कभी नहीं मिली थी। आज साधारण व्यक्ति, हम जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति के पास आज की तारीख में ये ताकत है कि जैसे एक कुछ बहुजन विचारधारा से चलने वाले लोगों ने ही नेशनल दस्तक नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की, और आज की तारीख में नेशनल दस्तक का वीडियो हर दिन करीब करीब 20 लाख लोग देखते हैं। ये ताकत है, ये नया समय है। इस समय देश में लगभग 25 करोड़ लोग इंटरनेट से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो एवरेज आप मान लीजिए कि 5 आदमी आपको कहीं पर दिख रहा है, पूरे देश का एवरेज है। शहर में तो हर दूसरा या तीसरा आदमी इंटरनेट से जुड़ा हुआ होगा, या हर व्यक्ति जुड़ा हुआ होगा। अगर गाँव का भी एक आदमी हो, एक उसमें अबूझमाड़ का भी हो, एक बिहार के भी पिछड़े इलाके का, एक बंगाल के पिछड़े इलाके का हो, तो एवरेज अगर लोग खड़ा करेंगे तो हर 5वां आदमी किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके से इंटरनेट आया हुआ है। इस देश में लगभग 15 करोड़ या उससे थोड़ा ज़्यादा फेसबुक के यूजर हैं, इसका मतलब हर 10वां व्यक्ति फेसबुक से जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप के लगभग 17 करोड़ यूजर हैं, तो हर 10वां व्यक्ति या मतलब 9वां व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अभी तक इंटरनेट ने देखिए इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की कि आपके मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा वो आपके उसके जरिए वो बन रहा है। लेकिन एक चीज़ और आप उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि इसको मैं गोल्डन फेज क्यों कह रहा हूं। इस समय इसका कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इस देश का, जिसको हम अप्रकाश, सवर्ण, आर्य कुछ भी कहें, वो लगभग पूरा का पूरा अब इंटरनेट पर आ चुका है। उसकी एंट्री वहाँ पर फुल 100% नहीं भी तो 98-90% उनकी हो चुकी है, और ये संख्या पहुँची है आज की तारीख में व्हाट्सएप की 17 करोड़। तो 17 करोड़ में उन्होंने अपनी संख्या अब पूरी कर ली है। इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का अगला जो विस्तार होना है, अगली जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री इसकी तय होनी है, वो बहुजनों के बीच होनी है। तो अब आपका समय है, अब इस समय की तैयारी कीजिए कि हमारे लोग, आपके लोग, इस देश के बहुसंख्यक लोग, सारे लोग जब इंटरनेट पे होंगे तब हम अपनी बात कितनी मजबूती से कहने की हालत में होंगे, इसकी दरअसल अब तैयारी करनी चाहिए। हमारा समय बहुत वजहों से अभी तक नहीं आया है, कम से कम मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में हमारा असली वाला समय अब आने वाला है। और इस वजह से हमारी बात जो अब तक नहीं पहुंचती थी, भाई मनुस्मृति जैसे है, मनुस्मृति आप में से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो उसके अंदर क्या है उसके बारे में कुछ कुछ आप हम सारे लोगों को पता होगा। लिखने पढ़ने पर रोक थी, लिखने पढ़ने पर क्यों रोक थी, इसलिए नहीं सिर्फ कि ज्ञान आपको हासिल हो जाएगा, आप लिखेंगे तो आपकी बात किसी और तक भी पहुंचेगी, तो आपके अंदर ग्रुप फॉर्मेशन, आपके अंदर समूह का निर्माण होने लगेगा, इस वजह से लिखने पढ़ने की
पर रोक थी। वो रोक अब एक तो बाबा साहब के दिव्य संविधान की वजह से जो आरक्षण मिला, सुविधाएं मिली, कुछ मॉडर्निटी की वजह से, कुछ मार्केट फोर्सेस की वजह से अब बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और वो अपनी बात कहने का उनमें अब दम आ गया है। 1.5 से 2 हज़ार रुपये में पुराना सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मिल जाता है और 5 से 10 रुपये के डाटा पैक मिलने लगे हैं। तो ऐसे समय में बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, और ये जब जुड़ जाएंगे तो जो बात अभी तक नहीं कही गई थी, नहीं पहुंच रही थी लोगों तक, लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या क्या हो रहा है, ये पता चलने लगेगा। तो वामसेब को निश्चित रूप से मुझे लगता है, और आप लोग निश्चित रूप से इसकी तैयारी कर भी रहे होंगे, कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की तैयारी करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और अपनी बात को कहने का, देखिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो बात कही गई वो बिल्कुल एकदम 100% शुद्ध तरीके से कही जाए। ये 100% शुद्धता का जो विचार है ना, यही ब्राह्मणी विचार है कि एकदम जब शुद्ध होगा और हम जो कह रहे हैं वही शुद्ध है, ये ऐसा नहीं है। कबीर साहब जब एक कोई दोहा बोल रहे हैं तो वो हिंदी के व्याकरण शास्त्र की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, उनके पास कहने के लिए बहुत बड़ी बात है और उसको अपनी भाषा में अपने ढंग से वो कह रहे हैं, और उनकी बात आज भी हम लोग पढ़ते लिखते सुनते हैं। तो बात कही जाए इस बात की परवाह किए बगैर कि उसने उसके ग्रामर का उसने ध्यान रखा या नहीं रखा। तो अभी तक के जो मैंने अपनी बात रखी उसमें एक बात तो मैंने ये कहा कि अभी तक का जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, अभी तक उसका जो स्वरूप है वो ब्राह्मणी जातिवादी किस्म का है, और जो अब टेक्नोलॉजी है उसने उस वर्चस्व को तोड़ने की दिशा में हम लोगों के लिए एक सुविधा का समय दिया है। नहीं होने को चैनल भी हो सकते हैं, हमारे चैनल भी क्यों नहीं होने चाहिए, हमारे अखबार भी क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन देखिए दुनिया में अब धीरे धीरे जो समय आया है, जैसे आप में से जो लोग इंग्लैंड गए हैं वो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर अब ज़्यादातर अखबार बंद हो गए, कम हो गए, और अखबार ज़्यादातर मुफ्त में बांटे जाते हैं, वहाँ के मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर रखे रहते हैं जिनको पढ़ना है पढ़ें। तो धीरे धीरे अखबारों का समय ख़त्म हो रहा है, वो अभी भारत में है ज़रूर, लेकिन जैसे जैसे विकास की ओर देश जाएगा वो समय खत्म होगा और दुनिया इंटरनेट से ही सारी सूचनाएं लेना शुरू करेगी, फेसबुक से, साइट से, वहीं से। और उसमें ये भी सुविधा है कि मैं घर में एक अखबार मंगाता हूँ, मुझे एक खबर अगर देखनी है कि कुछ हुआ है तो मैं इंटरनेट पे 10 जगहों से उसी खबर को देख लूँगा और मैं सच तक पहुँच पाऊँ, इसकी संभावना भी ज़्यादा हमको इंटरनेट पे है। तो ये एक तरीके से भारतीय समाज को और भारतीय डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने का एक रास्ता आया है। अभी ये भी नहीं है कि यहाँ से कोई जादू होने वाला है। इंटरनेट भी देखिए कुल मिलाकर वो फेसबुक वैसे अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में इनकॉर्पोरेट हुई है 2004 में, मार्क जकरबर्ग ने उसको बनाया, लेकिन फेसबुक में एक फेसबुक इंडिया भी है, उनका एक इंडिया ऑपरेशन भी है, इंडिया में उनका ऑफिस भी है, और फेसबुक इंडिया के ऑफिस में कौन लोग बैठे होंगे इसकी आप थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं कि भारत में इंटरनेट वगैरह में, इंग्लिश एजुकेशन में और आईटी सेक्टर में पहले जो लोग प्रवेश कर पाए अपने वर्चस्व की वजह से, वैसे ही लोग वहाँ ही बैठे होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पोस्ट अब मैं देखता हूँ, अक्सर ये शिकायत आती है कि हमने लिखा और वो उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, उस चीज़ को वो ब्लॉक भी कर देते हैं, मुझे खुद भी ब्लॉक कर चुका है फेसबुक एक समय में। तो वो समस्याएं रहेंगी, इसके बावजूद देखिए जितनी संभावना है उस संभावनाओं का इस्तेमाल जब तक है तब तक पूरा करना चाहिए। कि जैसे भारत सरकार ने इस साल लगभग 5,000 जो फेसबुक यूजर्स हैं उनके बारे में फेसबुक से जानकारी मांगी है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से प्रोफाइल ऑपरेट होता है, तो सरकार भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ये खतरा है। लेकिन आज जितनी संभावना है कम से कम उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और उसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे भारत में इंटरनेट दुनिया के सबसे महंगे इंटरनेट में है, सबसे महंगा ब्रॉडबैंड यहाँ पे है, और अब और पहले भी सबसे स्लो भी चलता है, इतना स्लो इंटरनेट भी कहीं नहीं है। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि ग्लोबल इंटरनेट स्पीड तो आपको पता चलेगा इंडिया उसमें कहीं 130वें नंबर पे कहीं पे। तो भारत को जो लोग इस समय चला रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि इंटरनेट सस्ता हो और बहुत लोगों तक पहुँचे, ये क्योंकि उनको मालूम है कि अब जो इंटरनेट का विस्तार होगा वो किनके बीच होना है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इंटरनेट सारे लोगों तक पहुंचे, ये भी एक कोशिश होगी। जैसे फेसबुक ने कहा था कि
कोई आदमी अगर फेसबुक देख रहा है तो उसके लिए जो डाटा का खर्चा आएगा वो फेसबुक कंपनी पे कर देगी, वो वोडाफोन बीएसएनएल या जो भी है या एयरटेल या रिलायंस, उसको फेसबुक पे कर देगा, उसका फेसबुक देखना मैं फ्री कर दूंगा। भारत सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी, भारत सरकार ने इसको अलाउ नहीं किया कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी साइट है, हम साइट के जरिए किसी और तरीके से विज्ञापन वगैरह से कमा लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब आदमी फेसबुक को लॉगिन करे और उसको देखे तो उस समय उसका जो ब्रॉडबैंड का खर्चा आ रहा होगा, इंटरनेट का खर्चा आ रहा होगा, ये फेसबुक उन कंपनियों को दे देगा। इसमें भारत सरकार को खतरा नज़र आया कि ये होते ही करोड़ों नए लोग इंटरनेट में जुड़ जाएंगे, फेसबुक में जुड़ जाएंगे, आपस में बात करने लगेंगे, वो इस बारे में बात कर लेने लगेंगे देश किसके कंट्रोल में चल रहा है, तमाम तरह की बात होने लगेगी। तो भारत सरकार ने 2015 में फ्री बेसिक का जो प्रपोजल था फेसबुक का कि हम फ्री में देंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उस बहस को देखा होगा। तो इंटरनेट देखिए जादू नहीं है, लेकिन आज की तारीख में लगभग जादुई शक्ति समेटे हुए है, तो इसका एक इस्तेमाल होना चाहिए। और इंटरनेट पर खास करके जो लोग लिखते हैं उनके बीच के कुछ ग्रुप्स भी बनने चाहिए, बामसेफ को फेसबुक राइटर्स के कॉन्फ्रेंस भी करने चाहिए कि जिन लोगों के पास 500, 700, 1000, 5000, 10000 मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अपनी बात करते हैं, उनके फेसबुक के हर राज्य के अपने अपने पेज हो सकते हैं, और क्योंकि आज उस पर कोई खर्च भी नहीं है, और कुछ लोग बस अपनी बात, अपने कॉन्फ्रेंस, अब इस कॉन्फ्रेंस की इस समय इंटरनेट पर अगर सारे लोग होंगे और सारे लोग लिखेंगे तो इस देश में आज आप यहाँ क्या बात कही गई है, आज की बात कर रहा हूँ मैं 2016 के आखिरी महीने में, आज की तारीख में अगर सारे लोग अभी आज की तारीख से अपने व्हाट्सएप से यहाँ पर आज ये कहा गया अभी डाल दें अभी बैठ के, तो शाम होते होते वो बात 1 करोड़ लोगों तक तो बहुत आसानी से पहुँच सकती है। तो सिर्फ एजेंडा तय कीजिए कि क्या करना है, आपस में सहमति, आपके जब जो कमिटीज़ होंगी उसमें जब सहमति बन जाती है कि ये आज हमको ये वाला मुद्दा जो है इसको नेशनल सेफ देना है, तो आप उसको दे सकते हैं, मतलब ये टूल आज की तारीख में है। एक चीज़ और मुझे लगता है जो करनी चाहिए वो ये कि देखिए इस समय देश में जातियों में बटा हुआ देश है, हम चाहे ना चाहे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम बहुजन कॉन्सेप्ट चलाते हैं, मूल निवासी कॉन्सेप्ट चलाते हैं, इसके बावजूद इस देश में लगभग हर जाति अपनी पत्र पत्रिका चलाती है। आपको यदुवंशी संदेश, कुर्मी पटेल लोगों की पत्रिकाएं, मौर्य लोगों की पत्रिकाएं, उनकी तमाम जातियों की, उसमें दलित जातियों की भी, वाल्मीकि जाति, उसमें तमाम जातियों की अपनी अपनी पत्र पत्रिकाएं हैं। शायद आने वाले समय में इसकी कोशिश होनी चाहिए कि इनके संपादकों का एक नेशनल कन्वेंशन होना चाहिए कि सारी जातियों के लोग, ठीक है जातियों के सवाल आप उठाते हैं, आप अपनी जात की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई कॉमन ग्राउंड हो सकता है, क्या इन जातियों की कुछ पीड़ा, सुख, दुख, सपने क्या कॉमन है, इसकी अगर हम कोशिश करते हैं और ऐसी 500 पत्र पत्रिकाओं के भी अगर संपादकों को दिल्ली या नागपुर या कोई सेंट्रल जगह पे बुला कर उनका एक नेशनल कन्वेंशन अगर हम करते हैं, अगर वो हमसे पहल करता है तो मैं भी उसमें कोशिश करूंगा कि हॉल या ऐसी कोई एक सुविधा मैं भी उसमें उपलब्ध करा सकता हूँ। तो वो अगर इतने सारे संपादक एक साथ बैठेंगे जो बहुजन या मूल निवासी परिवार समाज के संपादक हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी जात की बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके बीच कोई एक कॉमन थ्रेड हो, एक कॉमन ग्राउंड हो, आरक्षण का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है, जैसे आपने जो मुद्दे उठाए कि जुडिशियरी में जाति वर्चस्व का सवाल, कोलिजियम का सवाल, क्या अगर ये हो जाए कि 500 संपादकों में अगर आपस में ये सहमति बन जाए कि हम 500 पत्र पत्रिकाओं में भारतीय न्यायपालिका में कुछ खास जातियों का जो वर्चस्व है इस पर एक एक संपादकीय लिखेंगे, तो आप समझिए कि आपकी बात यूं चुटकियों में अगले महीने पूरे देश बात कर रहा होगा। कोई अलग खर्च नहीं है, कोई अलग रिसोर्स नहीं है, आप सिर्फ अगर उस एनर्जी को, उस स्ट्रक्चर को एक रेशनल तरीके से जोड़ लेते हैं तो भी एक बहुत बहुत बड़ी नई तरह की ताकत आ जाएगी। 500 संपादक, फेसबुक पर लिखने वाले 500 लोगों का समूह, 500 लोग अगर तय कर लें कि इस मुद्दे पर आज बात करनी है, आज शाम को हमको ये इस मुद्दे पर पूरे देश में बात करा देनी है, तो आप करा देंगे, कोई रोक नहीं सकता आज की तारीख में कि आज शाम को जब इस हॉल के बाद खाना खाने के बाद आपने अगर तय कर लिया खाना खाते हुए भी
कि भाई आज रात को 8-9 बजे के आसपास सारे लोग एक एक स्टेटस डालते हैं, ये सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, इस पर बात होनी चाहिए देश में, तो कल को सचमुच पूरा देश बात कर रहा होगा, एकदम संभव है, करके देखिए बिल्कुल, मतलब ये आज चाहे तो आज करके आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए कि आज हमको न्यायपालिका में जो जाति वर्चस्व इसकी वजह से देश में कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं, न्यायपालिका पर लोगों पर विश्वास कम हो रहा है, ये 5 लाइनें हम लोग सारे लोग लिख के डालेंगे, व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप पे डालेंगे और कोई ना कोई तरीका अगर निकाल लेंगे, तो मुझे लगता है कि इस संभावना का इस्तेमाल करने के लिए इस देश में 2 संगठन सबसे अच्छी स्थिति में है, एक RSS और एक बामसेफ, काडर है, एक संगठित लोग हैं, विचारवान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, तो इनको इन लोग अगर तय कर लें कि देश को कल भारत इस बारे में चर्चा करे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम जय भारत। न लोकपाल बिल है, न लोकपाल है, न हजारे है, और केजरीवाल तो लोकपाल का नाम ही नहीं निकालता।